अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लोकसभा की लगने से पहले करोड़ों रुपए के काम स्टैंडिंग कमेटी में लाकर गुप्त तरीके से उसे पास करने की कोशिश लगातार कर रही है। पिछली दो स्टैंडिंग कमेटी की मैं बात करूं तो एक स्टैंडिंग कमेटी जिसमें ताकिद में 187 करोड़ रुपए के काम लाकर उसे गुप्त तरीके से एक ही मिनट में पास कर दिया गया, और वही पिछली स्टैंडिंग कमेटी की मैं बात करूं तो ताकिद में 310 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के काम लाकर गुप्त तरीके से उसे मिनटों में ही सिर्फ पास कर दिया। कुल मिलाकर 497 करोड़ रुपए के काम पिछले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी ने गुप्त तरीके से पास कर दिया। गुप्त इसलिए पास कर दिया क्योंकि ये ताकिद के कामों का एजेंडा दो दिन तक अहमदाबाद शहर की जनता के समक्ष नहीं रखा जाता। मीटिंग के कुछ मिनट पहले ही एजेंडा को कमेटी में रखा जाता है और कुछ मिनटों में ही एजेंडा को पास कर दिया जाता है, और मीटिंग के बाद भी एजेंडा को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता, पत्रकारों को नहीं दिया जाता, विपक्ष को नहीं दिया जाता। यानी साफ बतलाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता के नाम पर करोड़ों रुपए के काम ला रही है, लेकिन उन कामों को गुप्त तरीके से पास करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत बड़े शंका की बात है, कांग्रेस पार्टी इस कार्यों का विरोध करती है।